तो भाई ऐसा है बच्चों कि दो टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं। मैं सोच रहा था कि कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आगे, और है नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से एक दो प्रॉब्लम आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद में काम हमारा फिनिश, दो टॉपिक हमारे तैयार हो गए। इसमें थ्योरी कुछ नहीं पढ़नी है आप लोगों को। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना अभी तक, चार्ज और फोर्स, कूलम्स लॉ, इसमें से थ्योरिटिकल या डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर थ्योरेटिकल आया भी तो क्या आ सकता है, एक बार लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर और हल्की सी नज़र उसके ऊपर मार लीजिएगा। ठीक है, बाकी बेसिक आएगा इसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा। जितने मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बस। ठीक है, एक आ सकता है इसके अंदर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक इसके अंदर से आ सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक इसके अंदर से आ सकता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और स्पेशली इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, जो इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं, नहीं उसमें वैसे आएगा भी नहीं क्वेश्चन, मतलब कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है क्या, आप उसके बारे में पूरा लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन वो कराया था ना वैसे ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि उसका रिवर्स आ जाए। मैंने आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिखाया था, हो सकता है कि उसका नेगेटिव आ जाए, करना वैसे ही है लेकिन उसमें कुछ अलग काम नहीं है। ठीक है, आएगा वैसे ही क्वेश्चन। तो कितने हो गए, एक और, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ बता दिया है ना, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर से, अगर थोड़ा सा पेपर वाले का दिमाग खराब हुआ तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। मतलब मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं लेकिन सैंपल पेपर में एक दो बार मैंने देखा है कि जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करती है उसमें ये क्वेश्चन डाल रखा था। ठीक है, बाकी चांसेस बहुत कम है। पोजिशन वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, पोजिशन वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिख दिया। तो आज की क्लास में हमें करना क्या है, तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और उन तीन क्वेश्चन के बाद फिर हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तीन क्वेश्चन के बाद में ये टॉपिक हमारा बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है आप लोगों को बताने का। पहला टॉपिक हमारा यही है, लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, पोजिशन वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, पोजिशन वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, पोजिशन वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए बताएं, देखो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है हमारे पास में, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। देखो भाई, एक बॉडी हमें यहां दे रखी है और एक बॉडी हमें यहां दे रखी है। इस बॉडी का जो चार्ज है वो Q1 है, इस बॉडी का जो चार्ज है वो Q2 है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, आप सब जानते हैं यार, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। आपको ये कह रखा है कि इस वाली बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है, बेटा पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। से हमने यहां ज्वाइन करा दिया और इस वेक्टर का नाम है R1 वेक्टर। ठीक है, हमने इसको यहां से यहां ज्वाइन करा दिया और इस वेक्टर का नाम है R2 वेक्टर। बताइए समझ पा रहे हो क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। हमने दोनों बॉडीज के बीच में ये एक वेक्टर लेट कर दिया है और इस वेक्टर को हमने नाम दिया है R वेक्टर। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर दिया क्योंकि कूलम्स लॉ निकालने के लिए या फोर्स निकालने के लिए इनके बीच की सेपरेशन चाहिए, ना कि ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच का गैप चाहिए होता है। समझ में आ रही बात है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक काम है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, मैं लिखता हूं फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, सब जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। एक चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज, उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, आर का मॉड बनाओ और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, खाली आर का मतलब है वेक्टर, और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो वेक्टर को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ मॉड लगाना पड़ेगा आप लोगों को,
अगर उनके बीच का गैप आपको चाहिए ना तो उसका मॉड बनाना पड़ेगा। तो हमने आर का मॉड बनाकर ये कर दिया मॉड आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में आर कैप, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए है, आर के ऊपर कैप, इसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है। बताओ पहला स्टेप समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आप लोगों को यहाँ आर के ऊपर कैप दिख रहा है ना, इस आर के ऊपर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर। हमने यहाँ से वैल्यू उठाई और यहाँ पुट किया, सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन, ये है हमारे पास में मॉड आर स्क्वायर, और ये बन गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर। सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 मॉड आर की पावर 3, और ये है मेरे पास में आर वेक्टर मॉड आर का स्क्वायर इंटू मॉड आर टू दी पावर 3। क्लियर, एनी डाउट, पक्का। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं लगाने वाला हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ देखिए, इस साइड का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये है हमारे पास में R1 वेक्टर, ये है हमारे पास में R2 वेक्टर, और ये है हमारे पास में R वेक्टर, ठीक है। 11th क्लास में वेक्टर के अंदर हम एक लॉ पढ़ते हैं, नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड जो एक दूसरे के पीछे, एक के पीछे एक है, उन्हें जोड़कर तीसरी साइड के इक्वल रखेंगे। ये बताओ ये R1 और R ऐसे दोनों एक के पीछे एक है या नहीं है? और इसका एरो इसके एरो से मिल रहा है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में है। बताओ सेम डायरेक्शन में कौन कौन है, मुझे ये बताओ। R1 और R, और अपोजिट में कौन है? रूल के मुताबिक जो सेम डायरेक्शन में है उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके इक्वल रखेंगे। सो आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में बनेगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बनी या नहीं बनी? बस आपको एक काम करना है, यहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको R दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो फोर्स की वैल्यू हमारी तैयार हो जाएगी, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल पावर 3, और यहाँ होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लो भैया, दो नंबर में ये आएगा आपके सामने। बताओ जल्दी से समझ आया नहीं आया? सबसे पहले हमारे सामने सिंपल कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ वेक्टर लगाया है तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ आर के ऊपर कैप लगा दिया। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना होता है? हमने इसकी जगह लिखा R इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मॉड R। समझ आ रही है सभी लोगों को बात? ठीक है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, जब इसकी जगह हमने ये लिखा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये बन गया, ये साथ में है R वेक्टर हमारे पास में, ठीक है। R हम कैसे निकाल सकते थे? हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। जान रहे हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इन दोनों को जोड़कर इसके इक्वल लिख दिया, यहाँ से निकल गया R, और इस R की वैल्यू को उठाकर यहाँ और यहाँ पुट किया, ये बन गया हमारे सामने रिजल्ट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने आपको बताया है, नोट कर लीजिए, और इसके बाद में सिर्फ लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा इसका। जल्दी से नोट करिएगा,
हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, समझ आ गया ना? ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल में हल्का सा करेक्शन हुआ है बच्चों, कुछ डेट आगे पीछे हो गई है, ठीक है, हल्का सा बदलाव हम लोगों ने किया है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल था इसमें से हमने वो टॉपिक नहीं हटाए थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार नहीं आ रहे हैं। तो एक नया शेड्यूल बना है, कल या परसों मैं आप लोगों को सबको सेंड कर दूंगा, उसमें कुछ डेट के अंदर भी चेंज हुआ है। जैसे स्टार्टिंग के दो यूनिट काफ़ी बड़ी हैं आप लोगों की, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेट, तो उसमें रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जनरली हम किसी और चैप्टर को, जैसे न्यूक्लियाई है, लास्ट में न्यूक्लियाई आएगा, जाकर मात्र 5 दिन में हो जाएगा रिवीजन। एटम का 5-6 दिन में हो जाएगा, ड्यूअल नेचर का 3-4 दिन में हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 2-3 दिन में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे चैप्टर भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, तो बड़ों पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन मैंने हल्की सी बढ़ा दी है, लगभग 20-22 दिन की ड्यूरेशन कर दी है मैंने एक यूनिट की, जो बड़ी यूनिट है आप लोगों की, इलेक्ट्रो, करंट, मैग्नेट और ऑप्टिक्स, इन 4 यूनिट की ड्यूरेशन मैंने बढ़ाई है, और बाकी जो छोटी यूनिट है उनकी ड्यूरेशन कर दी है कम, ठीक है। तो आज या कल मैं आप लोगों को नया शेड्यूल सेंड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज होगी। रफ करें इसे, क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, मतलब ये सबसे ज्यादा रिपीट हुई भी प्रॉब्लम है, कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लेना इसके ऊपर। देखिए प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, एक ट्राइंगल हमें गिवन दिया है कुछ ऐसे, यहां का चार्ज दिया है प्लस क्यू, यहां का चार्ज दिया है प्लस क्यू, यहां का चार्ज दिया है प्लस क्यू, और सेंटर में एक चार्ज मौजूद है, इस सेंटर वाले का चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। ये साइड है x, ये साइड भी है x, और ये साइड भी है x, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम कहां में है, तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी। दो सवाल हैं इसके जैसे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है, आप पूरे ट्रायंगल के किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो और उस कॉर्नर के ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू निकाल कर उसे जीरो के इक्वल रख लो। किसके इक्वल रख दो? तो वहां से आपकी कैपिटल क्यू निकल जाएगा। अगर ये स्क्वायर होता, स्क्वायर, और बीच में एक चार्ज रखा होता, तो स्क्वायर के किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लेते, उस पर टोटल फोर्स निकालते और जीरो के इक्वल रख देते। अगर ये कुछ और होता तो बिल्कुल इसी तरीके से हम टोटल फोर्स निकालते किसी भी एक कॉर्नर पर और उसे जीरो के इक्वल रखेंगे। तो बताइए कौन सा कॉर्नर हम यहां से पकड़े, ठीक है, कोई भी कॉर्नर ले लें, ये वाला कॉर्नर हम लोगों ने ले लिया, कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ए बी सी कोई भी ले लो, एक कॉर्नर हम लोगों ने ये पकड़ लिया। तो ये बताओ इस पर किस किस की वजह से फोर्स काम करेगा, इस पर जो फोर्स काम करेगा वो किस किस की वजह से काम करेगा, इसकी वजह से भी काम करेगा, इसकी वजह से भी काम करेगा, और इसकी वजह से भी काम करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बताइए यहां चार्ज कैसा है, यहां कैसा है, ये प्लस इस प्लस को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मैंने इस फोर्स को क्या लेट कर लिया, ये प्लस इस प्लस को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मैंने इस फोर्स को क्या मान लिया, दोनों को सेम क्यों माना है मैंने, जल्दी से बताओ, क्योंकि फोर्स में चार्ज और डिस्टेंस की जरूरत होती है। यहां चार्ज स्मॉल क्यू, यहां चार्ज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस एक्स, यहां चार्ज स्मॉल क्यू, यहां चार्ज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस एक्स, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, इसीलिए दोनों फोर्स को मैंने सेम माना है। जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं आया? आ गया पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, गुड। अच्छा ये क्या है भाई हमारे पास में, सेंटर में क्या है, प्लस कैपिटल क्यू। जब ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ, क्या इसे भी एफ मान लूं, क्यों, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, तो इस फोर्स को मैंने क्या लेट कर दिया। अब आप ये देखो कि इस वाले किनारे पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तीन, एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, समझ आ रही है सभी लोगों को बात, हमें इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? अब कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, गौर करिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखो इधर बताओ क्या है अपने पास में, एफ, इधर भी क्या है, और इन दोनों एफ के बीच में, सिर्फ इसे देखो ध्यान से और सिर्फ इसे देखो ध्यान से, ये भी एफ और ये भी एफ, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, हमें कैसे पता चला 60 डिग्री का है,
ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी कितना होगा? समझ में आ रही बात? जल्दी से बोलो। अब ये फोर्स कितना है F, ये फोर्स भी कितना है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा बीच में और उसकी वैल्यू होगी अपने पास में अंडर रूट 3F। जिसे नहीं पता है वो आगे से ध्यान रखना, अगर दो सेम फोर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी F, ये भी F, दोनों सेम है, अगर इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो इनका रिजल्टेंट बीच में जाएगा और वो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर होगा, किसी भी एक वेक्टर के अंडर रूट 3 टाइम्स होगा। अरे समझ आया नहीं आया? इसका खेल खत्म हो गया, इसका भी खेल खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ये निकाल दिया। बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है? डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या करेंगे, अंडर रूट 3F प्लस F डैश हो गया टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स किसके इक्वल रखना है? जीरो। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अब बताइए F की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, अंडर रूट 3, ये F, ये F किसके किसके बीच में काम कर रहा है, इसके और इसके बीच में x डिस्टेंस से चार्ज q है, चार्ज q है, कितना काम कर रहा है F, इस F को हम लिख पाएंगे k, यानी 1/4πε0। ये चार्ज कितना है, ये कितना है, q इंटू q, और इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप है x स्क्वायर, 1/4πε0 q1 इंटू q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस F डैश देखते हैं कितना होगा, F डैश इन दोनों के बीच में F डैश है, ये चार्ज Q है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में F डैश है, तो क्या लिखेंगे K, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज कितना है, ओके इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को, चाहिए ना। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, हल्का सा मैं इसके अंदर ना चेंज कर रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ, बस यही थोड़ा सा मेन काम है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बेटा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये आधी रह जाएगी, रह जाएगी आधी, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 30 का हो जाएगा, हो जाएगा नहीं 30 का, यानी हमारे पास में इस तरीके से ट्राइंगल बन गया, बन गया ट्राइंगल, अरे बना या नहीं बना यार, ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है और इसका नाम क्या है, x/2, और चाहिए हमें ये, चाहिए या नहीं चाहिए, यही तो डिस्टेंस चाहिए हमें इन दोनों के बीच की, चार्ज के और चार्ज के बीच की यही तो डिस्टेंस चाहिए, मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया वाई, क्या मान लिया, देखो एंगल के जो नीचे वाली साइड है ये कहलाएगी बेस, क्या कहलाएगी, ये हो गई हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का है, समझ में आ रही बात। सो हम लिखेंगे cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एक्स अपॉन 2y, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अरे समझे भाई, y की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, x अपॉन अंडर रूट 3, y की वैल्यू कितनी निकली, x अपॉन अंडर रूट 3, तो हमने यहाँ रख दिया x अपॉन अंडर रूट 3 का और इक्वल टू, बताओ जल्दी से समझ आया नहीं है, f कैसे निकाला समझ में आ गया, अंडर रूट 3f कहाँ से आया समझ में आ गया, वंशिका समझ में आया कहाँ से आया अंडर रूट 3f, किस किस का, किस किस का रिजल्टेंट है अंडर रूट 3f, जल्दी से बताओ, इस फोर्स का और इस फोर्स का, तो अंडर रूट 3f क्यों आया, मैं ये पूछा है, हमेशा अगर ये a होता और ये b होता तब ना होता, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे निकाली समझ में आ गया सभी लोगों को। अब कॉमन बताओ क्या है कॉमन, एक तो k कॉमन है, एक एक्स स्क्वायर कॉमन है और एक स्मॉल क्यू कॉमन है, ठीक है, कॉमन आ गया अपने पास में के स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर, अरे आया नहीं आया, यहाँ क्या बचा अपने पास में, एक तो अंडर रूट 3 बचा, एक स्मॉल क्यू बचा, ठीक है, एक स्मॉल क्यू बाहर, एक स्मॉल क्यू अंदर बच गया है, समझे बच्चों। अब यहाँ बताइए कैपिटल क्यू बच रहा है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और वो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, 3 कैपिटल क्यू बच रहा है और ये किसके इक्वल है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो में, सो अंडर रूट 3q प्लस 3 कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो, 3 कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3q, इस 3 को हमने लिख दिया है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट, लो भैया
ट्राइंगल के सेंटर पे हमें इतना चार्ज रखना पड़ेगा अगर इस पूरे सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में करना है तो। पहले ये बताइए कि हमने स्टेप नंबर वन यानी लॉजिक नंबर वन यानी कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या लगाया। सवाल तो होता रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को देखकर पहला स्टेप हमें क्या लगाना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। आपने सवाल पढ़ा, सवाल यह है कि फिगर गिवन है, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होगी, एकदम से खटाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लो और उस कॉर्नर पर टोटल फोर्स निकालो, सभी की वजह से टोटल फोर्स निकालो और उसे किसके इक्वल रख दो। हमने वैसा ही किया, हमने कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लिया, उस पर टोटल फोर्स निकाला, ये आ गया और इसे जीरो के इक्वल रख दिया। इन सब की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट किया, आंसर बताओ समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन। हो गया ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिए अपनी कॉपी में। इन द गिवन फिगर, सेम क्वेश्चन है बस फिगर चेंज हो जाएगा इस बार। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू। इन द गिवन फिगर फाइंड the value of capital Q for equilibrium of whole system. In the given figure, find the value of capital Q for equilibrium of whole system. Equilibrium of whole system. Okay? चलिए देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, बस बातें नहीं। प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये डिस्टेंस भी एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स, ये डिस्टेंस भी एक्स। सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसका नाम है प्लस कैपिटल क्यू। ठीक है, इस कॉर्नर का नाम है ए, इस कॉर्नर का नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये बताना है कि कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो स्टेप नंबर वन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चारों कॉर्नर में से कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लेंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, कौन सा कॉर्नर ले ले, ये ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, चलो ये कैसा है प्लस, ये कैसा है प्लस, प्लस में क्या होगा इधर साइड, मैंने फोर्स को क्या मान लिया एफ। ये कैसा है प्लस, ये कैसा है प्लस, प्लस को क्या करेगा रिपेल नीचे की तरफ। बताओ समझे या नहीं समझे, समझ आ गई बात। दोनों को सेम क्यों कहा हम लोगों ने, रिंग की दोनों को सेम क्यों कहा है, चार्जेस और डिस्टेंस क्या है हमारी सेम, इसलिए दोनों को सेम कह दिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये कैसा फोर्स है प्लस, और ये भी कैसा है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा इस डायरेक्शन में, इसे हमने नाम दे दिया F1। क्या नाम दे दिया, अरे देखते रहो यार, इसकी वजह से यहां रिपल्शन इधर, इसकी वजह से यहां रिपल्शन नीचे, इसकी वजह से यहां रिपल्शन इधर। पूरे हो गए या बचाया अभी कोई, एक बचा है, क्या कौन सा बचा है ये वाला, कैसा चार्ज है
ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, इसे हमने नाम दे दिया F2। क्या नाम दिया? ये वाला F और ये वाला F, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था, अगर दो सेम फोर्स के बीच में 60 डिग्री बनता है तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 3F। क्या होगा? लेकिन अगर 90 डिग्री बनता है तो बेटा रिजल्टेंट होगा अंडर रूट 2F। कितना होगा? अगर दो सेम फोर्स के बीच में, ये भी F है ये भी F है, और इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट होने वाला है अंडर रूट 2F। नहीं आया समझ में? जल्दी से बोलो। पक्का? मतलब ऐसा कुछ है नहीं, अगर पूछोगे तो बता देंगे हम तुम्हें, ठीक है? नहीं कोई समस्या होगी तो क्लियर कर लेना अपनी, ऐसे मत बैठे रहना वहां पर। समझ चुके हो ये अच्छे से? बिल्कुल। कितने फोर्स काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में? दो या तीन? तीन है यार, तो क्यों कह रहे हो फिर? एक F1 है, एक F2 है, एक अंडर रूट 2। तीनों की डायरेक्शन सेम है। क्या है तरीका? तरीका यह है कि एक कॉर्नर को पकड़ा, उस पर टोटल फोर्स निकाला, तीनों की डायरेक्शन सेम है तो तीनों को क्या कर देंगे? तीनों को ऐड करते हैं। चलो क्या बनेगा तीनों को ऐड करके? अंडर रूट 2F प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, एनी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है चलिए। अंडर रूट 2 F क्या होगा बेटा? F होगा, F क्या है पहले आप ये समझ लीजिए, F है इन दोनों के बीच में काम करने वाला फोर्स। चार्ज कितना है? यहां भी चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन, ओके। एफ वन क्या है? एफ वन है इसके और इसके बीच में काम करने वाला फोर्स। ये चार्ज कितना है? क्यू। ये चार्ज भी कितना है? तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी, ध्यान से जरा। ये डिस्टेंस निकालनी है ना? अरे यही तो निकालनी है भाई। ये डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है? ये एंगल कितने डिग्री है? ये भी x है, ये भी x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगी अंडर रूट 2x। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने रख दिया अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस F2। बताओ किसके किसके बीच में है, जल्दी से बताओ F2 किसके किसके बीच में है? इसके और इसके बीच में है। ठीक है, के एक चार्ज कितना है? स्मॉल q। दूसरा चार्ज, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? ये बताओ ये पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है? अगर इसे दो से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा आधी डिस्टेंस। ये निकल जाएगी ना, दो से डिवाइड करने पर ये निकलेगी x अपॉन रूट टू। एक्स अपॉन, भाई दो से डिवाइड करोगे तो आधी डिस्टेंस निकल जाएगी और ये हमारी कहलाएगी x अपॉन रूट टू का और इज इक्वल टू। पहले ये वाली इक्वेशन कहां से बनाई, समझ में आ गया? और एक की डिस्टेंस x, ये अंडर रूट टू एक्स कहां से आया? अंडर रूट टू एक्स। बताओ वैशाली, अंडर रूट टू एक्स कहां से आया? अंडर रूट टू एक्स कौन से वाली? ये वाली, ये। तो कैसे निकाली हमने ये डिस्टेंस, समझ आ गया? और वो x अपॉन रूट टू कहां से आया? कौन से डिस्टेंस चाहिए? यहां से यहां तक की चाहिए ना, ठीक है? तो इसका आधा कर दिया हम लोगों ने। कॉमन क्या आ रहा है जरा बताओ? के क्यू अपॉन, ओके, यहां क्या बचेगा और साथ में स्मॉल क्यू बचेगा प्लस के बाहर, यहां क्या बचा? क्यू। अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे टू, एक्स स्क्वायर पहले ही बाहर आ चुका है, ठीक है? के कॉमन, क्यू कॉमन, यहां क्या बचा? कैपिटल क्यू। एक्स स्क्वायर पहली बार आ गया, अंडर रूट टू का स्क्वायर करोगे वो पहुंच जाएगा ऊपर और इज इक्वल टू। तो ये पूरा तामझाम कहां पहुंचेगा, क्या बचेगा हमारे पास में? क्यू कॉमन ले ले यहां से, कितना आएगा? टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा माइनस के टू क्यू होगा। तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा अपने पास में? माइनस क्यू बाय फोर टू रूट टू प्लस, लो भैया इतना आंसर बनेगा कि सेंटर में आपको इतना चार्ज रखना पड़ेगा अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो। बताइए जल्दी से। देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में,
प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दी थी हमने आपको, कम से कम 125 लेक्चर पढ़ा दी थी उसके अंदर, ठीक है नहीं, बहुत बड़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम के बारे में, और एग्ज़ाम के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इनफ है, बल्कि मैंने इसमें भी तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चाहे तुम सैम्पल पेपर उठाओ या कहीं से भी करके देखो, इससे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो चार्ज और कूलम्स लॉ अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपके दोनों टॉपिक फिनिश हो गए हैं, आपके पास में कल का समय और है। जब आप कल क्लास में आओगे तो एक बार सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख के आना, कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगेगी तो आप कल आके मुझसे क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। दोनों टॉपिक आप लोगों के सारे फिनिश हो गए, सब क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक। अरे क्लियर है भाई, अब पढ़ते रहना इसे यार, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करो खूब, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख लिख कर देखो इन्हें, जितना लिख के देखोगे उतना अच्छे तरीके से आप इन्हें समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आपका टॉपिक नंबर थर्ड। टॉपिक नंबर थर्ड ये समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम से पहले पूरा टॉपिक हमारा फिनिश कर देगा, इसके सीधा बाद गॉस थ्योरम स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक नंबर थर्ड के थियोरटिकल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए, पहले टॉपिक नंबर थर्ड का नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, ये तीसरे टॉपिक का नाम है आप लोगों का। क्या क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को पढ़नी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को उनके बारे में, ठीक है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यार एक ये ऐसा टॉपिक है कि जब से CBSE बोर्ड बना होगा मेरे हिसाब से, तब तक एक बार भी ये चुका नहीं होगा कि ये टॉपिक वन मार्क्स में ना आया हो। एक नंबर में या दो नंबर में एक या दो प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है उसकी दो प्रॉपर्टी लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है उसकी तीन प्रॉपर्टी लिखे, दो लाइन आपस में ज़्यादातर बल्कि तीन चार साल तो ऐसा रहा कि एक ही क्वेश्चन रिपीट होता रहा बार बार, 13, 14, 15, 16 में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और वो ये है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वाई। समझ में आ रही बात आप लोगों को, 13, 14, 15, 16 तक यही क्वेश्चन रिपीट होता रहा हमारा एक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली इस साल के लिए, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, क्या लिखा है आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नंबर टू, नंबर टू है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हो गया। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। अगर इस साल कोरोना ना होता तो इन डेरिवेशंस को कोई ना पूछता, ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन इस साल बस ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई है, तो पूछा जाएगा आप लोगों से इनसे इनके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल, हो गया। उसके बाद में है टॉर्क, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा। उसके बाद में है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा बिल्कुल लाइटली मत लेना इन क्वेश्चंस को, बस ये समझ लो कि यहीं से तुम्हारा एग्जाम बनना है, ठीक है नहीं। एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को क्लियर कर लेना अपने। क्या लिखा आप लोगों ने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, और लास्ट में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हो गए हमारे थियोरेटिकल टॉपिक गॉस थ्योरम से पहले तक, ठीक है, गॉस थ्योरम से पहले तक ये सारे थियोरेटिकल टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मैंने इसमें कुछ नहीं लिखवाया, वो मैं आप लोगों को अपने आप बताऊंगा, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो भले ही आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेगा, है तो बड़ा बेसिक टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, those lines which represent the direction of electric field called electric field lines,
जो लाइंस कहाँ को दिखाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगी, उन लाइंस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आपको सिर्फ चार प्रॉपर्टी याद रखनी है, चार प्रॉपर्टी से बाहर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, चार ही प्रॉपर्टी हैं आप लोगों के लिए, आपके स्कूल एग्जाम के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक लाइन बनाई और इस इलेक्ट्रिक लाइन पर यहाँ कोई पॉइंट मौजूद है P, तो इस पॉइंट पर जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, अरे भाई टेंजेंट तो जानते होंगे, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दी तो यहाँ ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये होगी। समझ में आ रही बात, तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह है प्रॉपर्टी नंबर एक। प्रॉपर्टी नंबर दो, दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दो लाइन एक दूसरे को कट करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो सिर्फ एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन दिखाता है। एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन दिखाएगा, अगर उन्होंने कट कर लिया तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी, कितनी बनेंगी, और जो कि पॉसिबल, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कंडक्टर के सरफेस से, किसके सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी यह है, जैसे मैंने आपके सामने लाइंस बनाई कुछ ऐसे, लाइंस इधर जा रही है, जनरली लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, यहाँ लाइंस के बीच का गैप कम है, यहाँ लाइंस के बीच का गैप ज़्यादा है, हमने इस पॉइंट को नाम दिया ए, हमने इस पॉइंट को नाम दिया बी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ग्रेटर देन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बस ये चार प्रॉपर्टी हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप इसे भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, क्या थी आपके सामने, दोज लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी दिखाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाती हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को, उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तीन नाम होते हैं उसके, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। समझ में आ रही बात आप लोगों को। अच्छा, नंबर एक प्रॉपर्टी क्लियर है, हम किसी भी पॉइंट पर कहीं भी कोई टेंजेंट बना देंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्या दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, क्यों कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने कट किया तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी जो कि पॉसिबल। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, कंडक्टर के सरफेस से ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और चौथा पॉइंट यह है कि जहां लाइन नजदीक नजदीक होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जहां दूर दूर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये क्वेश्चन पक्का आना है बच्चों आपके एग्जाम के अंदर, चाहे किसी भी फॉर्म में आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, याद रखोगे ना चारों की चारों प्रॉपर्टी, ठीक, जल्दी लिखिए अगर लिखना है तो आप लोगों को, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वही लिखना जिसे जरूरत होगी लिखने की, जिसने लिख रखा होगा खामा का टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हो गया, चारों प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, दो लाइन कट नहीं करेंगी, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जहां लाइंस क्या होंगी क्लोजर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जहां लाइन होंगी दूर दूर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक, क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारे पास में जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो बात सुना हमारी ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके एक किनारे पर रखा है नेगेटिव चार्ज, दूसरे किनारे पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच की सेपरेशन आपको दे रखी है L, ऐसा सिस्टम हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक किनारे पर सेम चार्ज नेगेटिव, दूसरे किनारे पर सेम चार्ज पॉजिटिव, और दोनों के बीच की बहुत स्मॉल सा गैप है दोनों के बीच में, वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जस्ट तुरंत बाद हमारे पास में जो पॉइंट आता है इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान से,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को, काहे को दिखाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को, समझ में आ रही बात आप लोगों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को दिखाएगा कैसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा बेटा, एक चार्ज कितना है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, कोई भी चार्ज ले लो बस प्लस माइनस हटा कर लेना, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई इनके बीच के गैप से कर दो, ये निकल जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट है वह है कूलाम मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन है वह है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका नाम तो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, कैसे निकालोगे, विदाउट नेगेटिव विदाउट पॉजिटिव चार्ज उठाओ उसकी मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर दो, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमारे पास में इसके ऊपर दो ही प्रॉब्लम है बच्चों, सिर्फ दो प्रॉब्लम, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ दो बनती हैं इसके ऊपर, आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम नंबर वन जो है हमारे पास में इसके ऊपर वो ये है, बीच में है ओरिजिन, यहां का कोऑर्डिनेट है 0, 0 - 15 सेंटीमीटर, यहां का कोऑर्डिनेट है 0, 0 + 15 सेंटीमीटर, यहां रखा है -2 μC और यहां रखा है +2 μC। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, ये सिस्टम आप लोगों को दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, तो थ्योरेटिकल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को ये कहा गया कि भाई पहले तो ये बताओ कि ये डाइपोल है या नहीं है, डाइपोल की क्या शर्त क्या है, एक किनारे पर नेगेटिव सेम चार्ज और दूसरे किनारे पर सेम चार्ज और उनके बीच में स्मॉल गैप, ठीक है, वो हमारा डाइपोल कहलाएगा। हमें एक तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और एक उसकी डायरेक्शन निकालनी है कितनी होगी। पहले हम निकालते हैं वैल्यू, वैल्यू निकालने का तरीका है दोनों चार्ज में से एक चार्ज लो, 2 × 10⁻⁶, ले लिया, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और उसकी मल्टीप्लाई इनके बीच के गैप से कर दो, कितना है इनके बीच का गैप, देखो भले ही माइनस के 15 दे रखा है लेकिन माइनस 15 सिर्फ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी डिस्टेंस ओरिजिन से मापी जाती है, कहां से मापी जाती है, ओरिजिन से लेकर यहां तक 15, ओरिजिन से लेकर यहां तक 15, सो 15 और 15, समझ आया 30 मैंने कैसे लिखा, आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी 10⁻²। सो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बन गई है 60 × 10⁸ कूलाम मीटर, सो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ कूलाम मीटर। आप हमें बता सकते हो कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ए से बी की तरफ, ठीक है, बताइए समझ आया या नहीं आया, ठीक है, फील्ड लाइंस क्लियर हो गई सभी लोगों को, पक्का, कितनी प्रॉपर्टी बताई, याद रखोगे, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, कट नहीं करेंगी, और तीसरी प्रॉपर्टी सरफेस से 90 डिग्री बनाएंगी, जहां क्लोजर होंगी वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां थोड़ा सा दूर दूर होंगी वहां कम, ठीक है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा दिखेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये है, ठीक, ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हो गया समझ आया सभी लोगों को, अरे बोलो भाई,
देखो बेटा ध्यान से, ये जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम हमारी CBSE सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा आप इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है प्रॉब्लम, सेम डायग्राम बना हुआ आएगा आपके सामने, दिख रहा है? दोनों डाइपोल ना एक जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल डाइपोल हैं बिल्कुल, और एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P, कितना है? एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी के अंदर आप लोग, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। नंबर वन है फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ओके। नंबर टू आप लोगों को बताना है, नंबर टू आप लोग बताएंगे एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और नंबर तीन आप लोगों को बताना है रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, ओके। चलिए सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि ये वाला जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी, इस वाले की नेगेटिव से इस तरफ होगी, हमने मान लिया कितना है P है, कितना है ओके। अब ये जो वर्टिकल वाला है इसकी डायरेक्शन बताओ कहां से कहां होगी, नेगेटिव टू ऊपर की तरफ होगी, इसे भी हमने क्या मान लिया, जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं, आ गया ठीक है। एक पी कहां जा रहा है, ऊपर, और एक पी कहां जा रहा है, इधर। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा इनके बीच का, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये ऊपर, ये क्या है पी है और ये क्या है पी है, अरे नहीं समझे भाई, ये कितना है तुम्हारे पास में पी, ये भी कितना है तुम्हारे पास में P, पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना हुआ 60, तो ये कितना बचा आपके पास में, ये बच गया आपके पास में 120 डिग्री। अच्छा मैंने आप लोगों को दो चीजें बता दी हैं, सेम वेक्टर के बीच में 60 डिग्री बनेगा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर, 90 डिग्री बनेगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर, और अगर 120 डिग्री बनेगा तो रिजल्टेंट उतना ही रहेगा, यानी अगर ये बनेगा ना बेटा ध्यान से, एक वेक्टर कितना है P, एक वेक्टर कितना है, कितना एंगल इनके बीच में, तो रिजल्टेंट भी P ही होगा, ध्यान रखना रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमारा पहला आंसर निकल गया, रिजल्टेंट हमारा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P के इक्वल है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो, सबको आ गया पक्का? फिर उसका तरीका है, उसका तरीका यह है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, एक को मान लेना ए, दूसरे को मान लेना बी, उनके बीच का एंगल पुट करके तब निकलेगा, आगे समझ में, बोलो भाई जल्दी से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये पूरा एंगल कितना था आपका, रिजल्टेंट कहां गया बीच में, तो ये एंगल कितना होगा 60, कितना होगा। अच्छा अब जरा बताइएगा, अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना है, ये जो दो पिंक लाइन मैंने बनाई है इनके बीच का एंगल कितना है 90, तो ये कितना रह जाएगा, शाबाश, कितना रह जाएगा
तो बताओ ये क्या है और ये क्या है और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? सेकंड आंसर निकल गया, पी और ई के बीच का एंगल होगा 30 डिग्री। नहीं समझे? समझ आ गई बात? भाई पूरा एंगल 120 था ना आपका, अगर पूरा एंगल 120 था तो ये ऊपर वाला 60 हो गया, ये नीचे वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला बाइसेक्टर गया बिल्कुल बीचों बीच, ये 60 हो गया, ये जो पिंक लाइन मैंने आपके सामने बनाई है ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये 60 तो ये हो गया 30, पी और ई के बीच में 30 डिग्री बन रहा है। थर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है? देखो टॉर्क मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को अभी, लेकिन जब सवाल आया तो मैंने दे दिया आपके सामने, क्योंकि ये सही मायने में टॉर्क का ही क्वेश्चन था जब पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारा वो ये होता है पी ई साइन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा है रिजल्टेंट पी और ई के बीच में बनने वाला एंगल। बताओ पी और ई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो आप यहां पुट कर देंगे पी ई और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ये निकल जाएगा हमारा टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई बाय 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? तो अभी हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि गॉस थ्योरम भी इसी के साथ में आएगी। लगभग कम से कम 3 दिन लगेंगे हम लोगों को इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने में, इसके डेरिवेशंस रिवाइज करने में और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने में। सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे ना, पूरे पेपर में से मुश्किल से 3 या 4 डेरिवेशन मिलेगी आपको पूरे पेपर में। डेरिवेशंस बहुत कम कर दी हैं अब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले क्या होता था कि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरी डेरिवेशन डाल दी, डेरिवेशन ड्राइव कर दो, 5 मिल गए आपको। अब 5 नंबर के क्वेश्चन को 5 पार्ट में ही डिवाइड कर दिया है, हर पार्ट में कोई नई बात आप लोगों से पूछी जाती है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमारा इस बैच का मेन काम भी यही है कि हमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है।